2016 को भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नाटकीय चित्रण किया गया है। 18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 उरी कैंप इंडिया। के साथ निशान चतुर्वेदी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना ने चारों आतंकियों को भी मार गिराया। बारामूला के उरी में यह आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 हुआ। हमले के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी श्रीनगर रवाना हो गए। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना। अश्क न हो नैना अश्क न हो। अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना। अश्क न हो नैना अश्क न हो। हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं, जवानों के लिए शस्त्र तो खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है, और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। 21 सितंबर 2016 डिफेंस मिनिस्ट्री मुख्यालय सुरक्षा मंत्रालय। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनका प्लान रात के समय जब सारे सैनिक सोए हुए होंगे उसके बाद जोरदार फायरिंग करने का था। कल पठानकोट पर हमला किया, अभी उरी हेडक्वार्टर पर ऐसा ही चल रहा है, तो दिल्ली दूर नहीं। जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा, फिलहाल तो हम रॉ से इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। सर, हमें खबर मिली कि उनके कुछ बेस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। हम अपने सहयोगियों की जान का बदला जरूर लेंगे, क्यों ही उनकी जान जाया नहीं जाएंगी। हाँ जरूर हम बदला लेंगे, इस बार जैसे को तैसा हम उन्हें उन्हीं के तरीके से धूल चटाएंगे। मतलब समझे नहीं हम जयशंकर साहब? हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कदम मिलते हैं हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। 29 सितंबर 2016 रात का समय पाक बॉर्डर LOC।
इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने उरी में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम अपनी टीम की ओर से आपको विनम्र अभिवादन करते हैं कि हम सब खड़े होकर उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने उरी हमले में अपने प्राण खो दिए, तो हम सब मिलकर राष्ट्रगीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।